गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 46 जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं हिंदी में, वो है जो है 9th क्लास की हमारी, और विषय हमारा क्या है, विज्ञान साइंस, और जो हमारी डेट है वो क्या है, 19 अक्टूबर 2020। तो बच्चों हमारी क्या है आज की वर्कशीट है, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है उत्तक, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हम टिश्यू का, हम इससे पहले हम क्या है पैरेन्काइमा के बारे में वो पढ़ चुके हैं, वो क्या है सरल स्थायी टिश्यू। आज क्या है हमें, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है उत्तक चल रहा है, ठीक है। जो हमें आज पढ़ना है वो है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो हमारा सरल स्थायी उत्तक है ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है बच्चों। हम जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा को हम इससे पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 45 उसमें हम पैरेन्काइमा के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ मिलता है, पेड़ में कहाँ मिलता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, ठीक है ना, ये सब हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है अपनी वर्कशीट में वो हमें पढ़ना है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और ये भी दोनों क्या है स्थायी उत्तक के पार्ट होते हैं। तो जो हमेशा से आपको, जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि जो ये बच्चा है ये अपनी बहन से जिज्ञासा से कुछ ना कुछ पूछता है, आज भी पूछ रहा है क्या कि जिज्ञासा दीदी पौधे इतने लचीले कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं। इसके दिमाग में भी क्वेश्चन आया है, साइंस का तो ये है कि जितने क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएंगे उतना अच्छा है, क्यों कैसे। अच्छा बच्चों एक बात हो कि जब आप अपनी वर्कशीट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस टाइम अपनी जो बुक है आपको अपनी बुक में से भी पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी वर्कशीट का टॉपिक आपको दे रखा है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक या सपोर्टिंग मटेरियल, जो भी आपके पास बुक है ना अवेलेबल, वो आप उसमें से पढ़िएगा, उससे आपका जो आपकी कमांड है ना अपने अपने टॉपिक पर वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है फिर ज्ञान को जवाब देती है जिज्ञासा दीदी, क्या कि जैसा कि हमने जाना पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल उत्तक भी होते हैं हमने, ठीक है ना। क्या था, हमने पहले ही पढ़ा था कि सरल उत्तक के 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी क्या कह रही है कि कोलेनकाइमा जो ये वाला कोलेनकाइमा है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, मतलब पौधों को लचीलापन, फ्लैक्सीबिलिटी, जैसे होते हैं ना कई लोग होते हैं कसरत में भी एक्सरसाइज में भी पूरे झुक जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये जब आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो पेड़ जो होते हैं बहुत ही हिलते डुलते हैं, तो वो किसके कारण होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है ताकि वो टूटे ना, वो कौन दे रहा है उनको, कोलेनकाइमा दे रहा है। नेक्स्ट क्या है कि स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है, जो हमें दिखते हैं कि हम या छूते हैं हम पेड़ जो क्या हमें बहुत कठोर दिखते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण होते हैं, ठीक है। अब हमें अलग अलग कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। ये क्या है, इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे वर्ण वृत्त में देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि कोलेनकाइमा को आप कहाँ देख सकते हैं, तो आप कहाँ देख सकते हैं इसको, एपिडर्मिस के नीचे पर्ण वृत्त में देखा जा सकता है, आप इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है इसका ये जो है ये डायग्राम दे रखा है कोलेनकाइमा का। नेक्स्ट क्या है, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोती होती है। जो ये उत्तक है कौन सा, कोलेनकाइमा, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती है, मतलब लिविंग होती है, लंबी, जैसे आपको ये दिख रही है लंबी होती हैं, ठीक है, और अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। और ये क्या है, कोनों पर से, जैसे आपको ये कोने दिख रहे हैं ना, ये देखो ये कोने दिख, ये जो एक मिनट, ये जो कोने दिख रहे हैं आपको, ये कोने और ये जो कोने होते हैं ये कोनों पर से मोटी होती है, किसके कारण, एक केमिकल मतलब एक रासायनिक पदार्थ, कौन सा पैक्टिन के कारण। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ, आप क्या लिखेंगे, पैक्टिन नामक रासायनिक कारण के मोटी होती है। दूसरा, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, और जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत कम जो है स्थान होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अब इनके बीच में स्थान दिख रहा है आपको, यह होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, पौधों में लचीलापन का गुण सरल स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण आता है। जो पौधों में लचीलापन, जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो किसके कारण आती है, वो कोलेनकाइमा स्थायी उत्तक के कारण आती है। दूसरा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ये क्या करता है इसको मैकेनिकल मतलब क्या है, इसको सहायता प्रदान करता है, कौन, हमारा कोलेनकाइमा। तो ये आपका हमने पढ़ लिया है, जब भी आपको इसके बारे में आए तो आप, बच्चा हमें साइंस में यही होता है
कि हम अपने साइंस में अपने क्वेश्चन या किसी में भी हम क्वेश्चन उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं आंसर उसका, तो हमें डायग्राम हमसे पूछा हो क्वेश्चन में या ना पूछा हो, अगर आपको डायग्राम आता है अच्छा तो आप चाहे छोटा ही बनाइए लेकिन ज़रूर बनाइए अपने क्वेश्चन में आंसर में मतलब, ठीक है ना। तो उससे आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया अब कोलन कायमा, अब हम आ जाते हैं, हम क्या आ जाते हैं, हम स्क्लेरन कायमा पे। क्या है यह? सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। यह क्या करता है? कठोर बनाता है और जो पौधे हैं उनको मजबूती देता है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती है। जो इस उत्तक की जो परिपक्व हो जाती हैं कोशिकाएं, परिपक्व मतलब जो मैच्योर हो जाती हैं, तो वो कैसे हो जाती हैं? मृत, डेड हो जाती हैं, लंबी और पतली होती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं क्या है, ये लंबी है, लंबी दिखाई दे रही है और पतली, मतलब ये लंबी है पतली, मतलब जैसे कहते हैं ना नहर हमारे, तो हम तो गए गली गलियों में, गली गली में बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं, जैसे आप कहते हैं चांदनी चौक में तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, नैरो गलियां जैसे बोलते हैं, तो इसमें भी क्या है ये नैरो मतलब पतली होती हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस उत्तक की भित्ति मतलब इस उत्तक, मतलब इस उत्तक कौन सा, मतलब स्क्लेरन कायमा उत्तक भी क्या है, लिग्निन कौन सा, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है, कौन सा हमारा इसमें क्या हो रहा है, लिग्निन के कारण क्या है ये मोटी हो जाती हैं। कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं होता, इनमें आंतरिक स्थान नहीं होता और इनकी जो ये उत्तक की भित्ति होती है क्या होती है, मोटी जाती है, कौन सा रासायनिक के कारण, लिग्निन, कौन सा, लिग्निन। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि स्क्लेरन कायमा कहाँ उपस्थित होता है, आप क्या लिखेंगे, आप ये चीज़ लिख देंगे, जैसे आप जो नारियल होता है आपका खाने वाला नारियल, जब आप उसको, आप जो उसको छिलक उतारते हो ना, वो उसके भूसा सा होता है ब्राउन ब्राउन सा, वो भी क्या होता है, वो स्क्लेरन कायमा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्क्लेरन कायमा होता है। आपके नाशपाती में भी जो कठोर कठोर सब जो मतलब कच कच की आवाज़ आती है या चीकू में, वो भी क्या होता है, स्क्लेरन कायमा का बना होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन सा, रेशा और स्क्लेरेट्स, रेशा और स्क्लेरेट्स। तो हमने क्या है, अब हमने कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। स्वयं को जांचें, हमें स्वयं को जांचना है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब क्या है, पैरन कायमा के अतिरिक्त दो और सरल उत्तकों के नाम लिखिए। जैसे आपको पहले बताया पैरन कायमा को छोड़ के दो उत्तक के नाम आप कहाँ से लिख लेंगे, आप यहाँ से लिख लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। आप यहाँ से अपना क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरन कायमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है तथा इसका क्या कार्य। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कहाँ होता है ये, कि यह उत्तक तने में, यह उत्तक मतलब स्क्लेरन कायमा उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। आप यहाँ से लिख लेंगे। और इसका फंक्शन मतलब इसका कार्य क्या होता है, कार्य आप यहाँ ये लिख देंगे, ये रहा कि यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को मतलब पौधों को क्या करता है, कठोर और मजबूती प्रदान करता है। ये इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, स्क्लेरन कायमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है, मोटी क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि इस उत्तक की कोशिका जो कोशिका भित्ति है मोटी हो जाती है, क्योंकि लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है। आप यहाँ से इसका क्वेश्चन लिख देंगे क्या, कि इस उत्तक की भित्ति, इस उत्तक मतलब स्क्लेरन कायमा उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है और ये कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान, बस आप ये लिखना है किसके कारण मोटी होती है, लिग्निन के नामक जो है कि रासायनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोलन कायमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और उसका क्या अर्थ है। अब हमें ये लिखना है कहाँ उपस्थित होता है, आपका शुरू में मैंने बताया क्या, यह पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में देखा जा सकता है। कहाँ पे देखा जा सकता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, आप लिखेंगे एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में ये उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये पौधों को लचीलापन देता है, ये पौधों को लचीलापन देता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या हो गया कि ये पौधों को एक तो लचीलापन देता है, दूसरा ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो हमारा चार क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा उत्तक में अंतर, उत्तक में अंतर जैसे आपको मैंने ये बताया, आप यहाँ से लिख लेना। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, ये तो एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये उत्तक के तने में संवहन मंडल में, आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से, बस ये लिखेंगे आप। फिर क्या लिखेंगे, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, परिपक्व होने पे मृत होती है, लंबी व पतली होती है। अब
फोर्थ लिखेंगे कि इनमें रासायनिक पदार्थ होता है उसका नाम होता है पैक्टिन, और इसमें भी रासायनिक पदार्थ होता है लेकिन नाम क्या होता है, लिग्निन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन देता है पौधों को और यांत्रिक सहायता देता है, और ये क्या देता है, पौधों को कठोर और मजबूती। आपके चारों ये जो आपके ये जो डिफरेंस है, अंतर है, मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों ये आपकी आज छोटी सी जो है वर्कशीट है। अब हमें इसको जरूर ध्यान रखना है क्या, कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें हमेशा धोने हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, उसमें हमें क्या है, अपने हाथों को हमें नियमित रूप से धोना है। ठीक है बच्चों, तो हमारी बच्ची आज की छोटी सी वर्कशीट। और दूसरी एक बात और, कि जब भी कहीं जाएं आप तो मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें। ये हमारी आज की वर्कशीट थी 46 साइंस की। अब हम आगे की वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब तक के लिए बाय बच्चों।